हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यहाँ देखिए, मैं कर रही हूँ जाने की तैयारी। जी हाँ, मैं जा रही हूँ आज अपने मायके। और जाने से पहले मैंने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे सब सेट किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा बहुत। और मतलब कहीं भी जाओ तो बच्चे जानते हैं, छोटे हैं तो उनके कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं। भले आप 5 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, कपड़े अच्छे खासे हो जाते हैं बच्चों के। और जाने से पहले थकी थकी घर लग का रही भी काफ़ी होंगी काम और किया। बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, वो कि ये कि जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए हैं उसकी केयर कैसे, क्योंकि कभी भी सुन तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक्चुअली इनके पास टाइम भी नहीं है कि वो प्लांटिंग वगैरह के अच्छे तरीके से करके पानी वानी दे पाए। तो मैंने थोड़ा सा सामान वगैरह वगैरह मंगाया था, इरीगेशन का सामान मैंने मंगाया था। तो प्लांट में लगा के जाऊंगी सबको मैं, क्या कहते हैं, पूरा मतलब नीम खली, नीम पाउडर, जितने भी तुम्हारे को मिट्टी खाद सब दे के जा रही हूँ। तो उसी काम में लगी हुई हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ प्लांट्स अपने। तो मैंने अपने खाद देना स्टार्ट किया है। तो पानी दिया है तो ड्रेनेज हो गया, अभी साफ होगा। और इसमें अभी और भी चीजें भी नीम के पाउडर वाउडर। तो और ये जो ये देख रहे होंगे आप, ये इरिगेशन की चीजें हैं। इसी में पानी बॉटल लगा देंगे और एक एक ड्रॉप गिरता रहेगा। और बीच में सुनने से कह भी देंगे कि पानी जब सैटरडे संडे एटलीस्ट दे दे। फिलहाल मिट्टी बहुत नम है ना, तो इसमें ज्यादा पानी नहीं दे सकते। देखिए इसमें ज्यादा पानी बारिश का इसमें इकट्ठा हो गया, तो इसमें प्लांट खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए ना इसको एक सेकेंड सामान सामान तो बस अब तैयारियां चल रही हैं, जल्दी से घर पहुंचूंगी। थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, काफी टाइम से गई भी नहीं हूँ। और लड़कों के भी थोड़ा सा स्कूल जो है ना, वो मैं ऑनलाइन क्लासेस मैंने बात कर ली है, तो वहां वैसे हो जाएगा। तो बस बहुत दिन बाद जा रही हूँ मायके, तो खुशी का ठिकाना अलग ही है। अब फिलहाल तो जल्दी जल्दी मैं पहले प्लांट की केयर करूंगी, फिर उसके बाद सारी पैकिंग करूंगी। तो बस यहाँ पे बैम्बू की केयर किया है मैंने, बैम्बू प्लांट के बारे में वीडियो अपलोड की हुई, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और कहीं भी जाओ तो लड्डू को पापा चाहिए रहते हैं। तो देखिए सुमित कैसे समझा रहे हैं। फ्लैग सब बताना है, कलर से गाने बताना है, समझा। तो भाई पिंक वाली साइकिल यार लड्डू। अरे यार लड्डू का तो बड़े मजे हैं भाई साहब, करते कि यार लड्डू पास पिंक है। तो देखा आपने लड्डू को किस तरीके से समझाया जा रहा है। लड्डू चाह रहे थे कि उनके पापा भी चले साथ में, बट पॉसिबल नहीं था सुमित का जाना, इस वजह से वो नहीं कह रहे। तो सुमित जरूर छोड़ने जाते। और यहाँ देखिए पूरी मैं प्लांट की केयर अच्छे से कर रही, नीम की खली वली सब इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। मैंने मतलब जितने फर्टिलाइजर है सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये मोगरा में और प्लांट्स लगाए सब पे मैंने फर्टिलाइजर डाल दिया है। इसके बाद मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में सारे चद्दर वगैरह और डोर मैट वगैरह ये सारी चीजें साफ करूंगी, कर्टन वर्टन, और उसके बाद तैयारी करूंगी। अरे आज बहुत से मतलब समझ लीजिए बहुत ज्यादा ही काम है। और जाने से पहले आप कुछ ऐसा ही जानते हैं कि यार जितने भी हाउस वाइफ है समझ सकती है कि जाने से पहले कितने काम होते हैं, और नहीं भी होते तो भी निकल ही जाते। अरे ये भी कर दो, अरे वो भी कर देते, अरे ये भी कर देते। तो वही मेरे साथ हो रहा है, सारी चीजें मैं साफ ऑफ करके तो मैं घर में कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, जिनके ऑफिस का समय काम संडे को भी वो बिजी रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ही करके जाऊँ थोड़ी साफ सफाई, और जब तक मैं नहीं हूँ तब तक तो एटलीस्ट देखकर साफ ऑफ है तो अच्छा भी लगता है ना। गाड़ी आने वाली है, फीलिंग बहुत अच्छी, बहुत दिन बाद मैके जा रही हूँ, बट कहीं समय कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना घर छोड़ के जाओ और सुमित भी नहीं चल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी लग रहा है कि सुमित कैसे रहेंगे, खाना पीना कैसे करेंगे। पर वो बोल रहे खाना पीना ये चीज अच्छी सुमित भी खाना पीना उससे बना लेते, पर और भी चीजें हैं। तो मैंने उनकी ना पूरी अलमारी वगैरह सब सेट कर दिया है, मतलब एक तरफ टॉवेल रख दिया है, एक तरफ उनके ट्राउजर रख दिए हैं, एक तरफ शर्ट रख दिया, कुछ कपड़े साइड में से लगा दिया है कि एक दिन की प्रेस करने के लिए, और एक बकेट टाइप का बना दिया, उसमें रुमाल है कि मतलब उनका पूरा कपड़ा मैंने सेट कर दिया कि इन केस अगर कहीं जाना वाना पड़ जाए तो इनको सब सेट मिले। तो फीलिंग तो 80% मैं खुश हूँ, 20% थोड़ा सा मैं लग रहा है मुझे, बट जाके रिलैक्स करूंगी। मायके जाने की खुशी जानती अलग ही होती, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है सुमित भी चलते तो मुझे बहुत और खुशी होती। तो बस कुछ ही दिन के लिए जा रही हूँ। वैसे लड्डू का वैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस करवाऊंगी और एग्जाम वगैरह भी है नहीं लड्डू के, तो जाऊंगी। तो सुमित कह रहे रह के आओ, अब देखते हैं फिर
10-15 दिन के सोच के जा रही हूँ, बट मुझे पता है धीरे धीरे टाइम बढ़ ही बढ़ेगा। तो चलिए यही था, जल्दी से पहुंचना है, सारी पैकिंग होगी, मैं आपको सब पैकिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए एक बस इसी में सबका सामान है, और कहाँ गए जम्मू मंगू यार, देखो दो भंगियों को देख लीजिए। तो ये लोग इतने अच्छे से मैंने लोगों को तैयार किया, लोग फिर से कबाड़ कर दिए, इसलिए गुस्सा लगती है, बट चलो जल्दी से लोगों को सही कर रही। यहाँ आगे देखिए कैसे अपने आप को इन्होंने बना लिया है। लगू बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम नहीं जाओगे, ऐसे ही रहो, बाल बाल खराब कर लिए। देखिए एक मुंह आ गई है, व्हाइट विच चुड़ैल आ गई है। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं ऑटो में, हम हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, चंगू मंगू हैं, और इस बाइक पे देखिए मेरा कजिन ब्रदर है और सुमित है। तो सुमित लोग और कजिन भाई हम लोग ड्रॉप करके वापस आ जाएंगे। स्टेशन भी पहुंच गए, थोड़ा जल्दी पहुंच गए माजिन, लेकिन वैसे चलना पड़ता, थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो सही भी रहता है। और अब लड्डू को ना कहीं अब देखिए कैसे, मतलब ट्रेन आने का जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हम लोग को जाने का टाइम हो रहा है, सुमित और लड्डू कितने ज्यादा इमोशनल हो गए। सच बताए धीरे धीरे इन लोग कितने ज्यादा, मतलब लड्डू को देख के बहुत ही वो हो रहा था उसको, मतलब बार बार समझाना पड़ रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं से रिग्रेट सा होने लगा कि यार जाए कि नहीं जाए। अब आगे आप देखिएगा लड्डू की, मतलब कितना ज्यादा वो परेशान हो गई, और सुमित को देखिए इमोशनल है ये भी, बट होता है यार बाप बेटी का कनेक्शन तो समझ ही सकते हैं। ये फीलिंग आउट टॉप ऑफ द वर्ल्ड है भाई, मतलब अलग ही है, इस बॉन्डिंग को कुछ भी कह सकते हैं। और देखिए ट्रेन भी हमारी आ गई है, तो अब इसमें लड्डू को पहले नाटक शुरू हुआ कि मतलब मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं पापा के साथ वापस आ जाऊंगी, यही सब लड्डू का चल रहा था। और गप्पू तो बहुत मज़े में थे, फिलहाल गप्पू भी छोटे हैं तो उनको भी इतना नहीं समझ है, और लड्डू बहुत ही ज़्यादा सुमित से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से ज़्यादा ही कनेक्टेड सुमित से है। तो अभी यहाँ पे सब हम लोग सुमित पूरा मतलब बैठा बैठा के थोड़ी देर बैठेंगे, लड्डू को पूरा समझाएंगे, लड्डू को मतलब जो जो चाहिए सारी चीज़ें वैसे दिला दिए हैं। तो मतलब अभी वो क्या बताऊँ कैसा लग रहा था इस टाइम पे, मतलब मैं तो खुश थी, और मैं ब्लॉग सीधे वीडियो वगैरह सब बना रही थी कि हाँ देखो मतलब अच्छा लग रहा था, पर बाद में ना इतना ज़्यादा लड्डू रोने वोने लगी यार, सुमित रोने लगे, और क्या बोलूँ यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ उस टाइम पे। तो अब देखिए सुमित मतलब लड्डू को मतलब सारी चीज़ें ले आए, केक ले आए हैं, उसकी पसंद की कोल्ड ड्रिंक ले आए, सारी चीज़ को खूब समझा रहे कि बेटा वहाँ ये लेके, क्योंकि वो समझ रहे थे वो कि लड्डू को फीलिंग कैसी आ रही है। और ये फीलिंग मैं भी समझ सकती हूँ, जब भी मैं घर से वापस आती हूँ तो मेरे पापा भी ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो गप्पू को भी सी ऑफ वगैरह हो रहा है अच्छे से, मैं तो खुश थी वैसे, सच बताऊँ तो मैं बहुत खुश थी, बट लड्डू को और देख रही थी तो कहीं ऐसा लग रहा था कि यार गलती कर गए क्या आके, बाद में आए होती या सुमित की छुट्टी उट्टी होती तब मुझे आना चाहिए था, ऐसा कुछ कर सकते थे। ये देखिए सुमित बहुत ही बोल रही थी कि तुम जाओ, ट्रेन चलने से पहले तुम चले जाओ, क्योंकि मुझे पता कि ट्रेन जैसे चलेगी सुमित को मतलब और ज्यादा उनको खराब लगेगा। पर यहाँ देखिए सुमित की आंख में कैसे आंसू आ गए, और उनसे कह रहे तुम जाओ अंदर बैठो, तुम ऐसे मत देखो लड्डू और वो हो जाएगी। तो अब जैसे मतलब ट्रेन का टाइम होने वाला तो चलने का, लड्डू बार बार पापा आ जाओ, प्लीज पापा आ जाओ, चलो साथ में, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। और जैसे ट्रेन मतलब थोड़ी सी मूवमेंट ट्रेन की हुई ना, लड्डू बहुत तेज तेज रोने लगे। पापा आएंगे जल्दी। देखिए लड्डू कैसे मुझे लगा सो रही है, ये देखिए कैसे मतलब आंख बंद करके रो रही थी। मैंने कसम खा कि भाई पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम ना लड्डू को साथ में सुमित आए लेके, बिकॉज लड्डू बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फर्स्ट टाइम था कि
मतलब शायद सुमित नहीं छोड़ने गए, नहीं तो हमेशा वही जाते हैं ड्रॉप करने के लिए। लड्डू बहुत परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा, तो मैं वीडियो बना रही थी कि लड्डू ये करी, लड्डू बहुत अच्छी, जैसे आपको पता है कि लड्डू को ना व्लॉग्स वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं जानबूझ के वीडियो बना रही थी कि लड्डू देखिए अभी ये करी, थोड़ा तो माइंड उसका डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी मैं। तो खैर किसी तरीके से ये सोई है रात भर, ये लड़की नहीं सोई है, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और क्या बोले, ऐसा लग रहा था कि बस यार अब अगली बार से ना सुमित को आना पड़ेगा भाई। मैंने साफ बोल दिया कि पूरी कोशिश करो कि भाई साथ में आओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब बस घर भी पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो फिलहाल अभी हम लोग ही आए हैं और मेरी बड़ी मम्मी चाची लोग सब लोग दिल्ली में ही हैं, अभी कजिन भाई लोग के घर में, वो लोग कुछ दिन में वो लोग भी आ जाएंगे। बहुत टाइम से घर बंद था तो घर काफी गंदा भी हो गया था, तो घर पहुंच गए हैं, काफी थक चुके हैं और गेट वेट खोल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली सब लोग दिल्ली में हैं, हम लोग पहले आ गए हैं, पता कल भी आने वाले हैं तो चार दिन में। और क्या यार ये देखो, नहीं छोटे में खून उलाने लगा यार, मन खुश हो गया है। तो लड्डू अब थोड़ी सी खुश हुई है, उनको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे मन लग रहा है उनका। तो सबसे पहले ना मैंने चंगू मंगू को नहला वहलाया और थोड़े टॉयज वगैरह निकाल दी कि थोड़ा सा इन लोग का मन लगे, और हम लोग साफ सफाई में लग गए थे हमारी मम्मी। और घर काफी गंदा था, एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, और फिर जैसे घर काफी टाइम बंद है तो अजीब सी स्मेल आती है। तो बस घर साफ सफाई हो गया है, चंगू मंगू भी काफी खुश है, शाम हो चुकी है और देखिए सब हमारे टीनेंट्स वगैरह मिलने आए हैं। अच्छा लगता है ना कि जब बहुत टाइम बाद जाओ तो सब मिलने आते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। कहाँ है, काट लगी, तुम्हारी जगह नहीं है, तुम हमारी जगह आई हो, समझी तुम। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर।